بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have founded topgrade.pk just as an expression of that passion. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए. इसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पैराडाइम को शिफ्ट करूंगा, आप लोगों का जो माइंड सेट है इसको मैं चेंज करूंगा रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन रादर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप इन द रिमेनिंग डेज. तो ये हमारे टॉपिक का टाइटल है, शॉर्टकट टू नेशनल एमडीकैट प्रेप इन 16 डेज, राइट. और ये भी अकॉर्डिंग टू द पीएमसीज लेटेस्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस. ऑलराइट, सो यू सीन हियर, यहाँ पे मैं अपनी बात का आगाज करूंगा स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क से. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक इस स्टेज पे आपको नेशनल एमडीकैट में सक्सेसफुल होने के लिए या टू बी मोर प्रिसाइज एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोर लेने के लिए आपको हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है या स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड है. सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर, राइट. सो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यू नीड हार्ड वर्क एट द टॉप ऑफ द स्मार्ट वर्क. यानी कि पहले आपको स्मार्ट वर्क चाहिए और फिर आपको साथ हार्ड वर्क चाहिए. सो इस वक्त जो सक्सेस है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए विन विन सिचुएशन बने, तो आपने एक तो हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन आपने अपने जो काम करने का तरीका कार है इसको यकसर बदलना है. सो अब जिस टाइम फ्रेम में हम खड़े हैं, जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, यहाँ से ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स हमें जो इस वक्त जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो हमारे एग्जाम के साथ बहुत ज्यादा कंपेटेबल होनी चाहिए. तो इंशाल्लाह मेरे ये जो वेबिनार है आज का, इसमें एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा. मैं ये क्लेम करता हूँ कि आपका जो माइंड सेट है मैं उसको चेंज कर दूंगा रिगार्डिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग डेज फॉर नेशनल एमडीकैट प्रेप. ऑलराइट, सो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों आपके लिए आपको रिक्वायर्ड हैं. जैसे ये फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाया गया है कि ये जो इंडिविजुअल है ट्राइंग टू डू हार्ड वर्क, दिस इंडिविजुअल इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क. जबकि ये जो इंडिविजुअल है देखिए इसने स्मार्ट वे इसने डिवाइस कर लिया है इस वेट को आगे ले जाने के लिए. तो आप लोगों ने भी रिमेनिंग डेज में अपनी जो प्रेपरेशन है नेशनल एमडीकैट की जो प्रेपरेशन है उसको स्मूथ बनाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट रादर सुपर स्मार्ट वे जो है वो अडॉप्ट करना है. और मैं आपको ये भी नहीं कहता इस बार कि आप ब्लाइंडली उस पे बिलीव करें जो कि मैं आपको कह रहा हूँ. इस दफा मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग स्टैट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाऊंगा जिसकी बेस पे आप लोग ऑटोमेटिकली कन्विंस होंगे कि यस वी शुड चेंज आवर ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नेशनल एमडीकैट. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा और क्वेश्चन ये है व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ. इस वक्त राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी क्या है, कवरिंग सिलेबस और स्कोरिंग हाई ऑन नेशनल एमडीकैट? ये दो अलग अलग बातें हैं. क्या आप इस वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करना है या आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस तरीके से सिलेबस को कवर करना है कि एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू किया है उनके साथ जो कन्वर्सेशंस की हैं तो मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो इस वक्त सिलेबस को कवर करने के ऊपर है. बस किसी तरीके से हमारा जो सिलेबस है जल्दी से ये वाइंड अप हो जाए, राइट. तो लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको. जस्ट इमेजिन करें कि आपके किसी बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़े, राइट. लेकिन आपके पास ना तो उस बैंक अकाउंट की कोई चेकबुक है और ना ही ATM है, राइट. और ना ही उसकी मोबाइल ऐप चलती है. लाइक वो जो 1 करोड़ रुपए हैं आप उसमें से निकाल नहीं सकते. तो अगर आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज के ऊपर जाएंगे तो एग्जाम वाले दिन शायद क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप उतना इफेक्टिवली अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं पाएंगे, राइट. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस पॉइंट. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपनी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोर को देख के बनानी, राइट. स्कोर को देख के आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है. या सादा अल्फाज में मैं ये भी आपको कहूंगा
कि आपने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं, चलो आई एम स्टडिंग तो दे फील लिटिल बिट सैटिस्फाइड, ठीक है जी मैं पढ़ रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ। तो आपने अपने आप को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि आपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ना है, और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फॉलो दोस प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब देखें कि यहाँ पे लाइक मेरी एक आदत है कि मैं क्या करता हूँ, सो एज टू बेस्ट गाइड माई स्टूडेंट्स आई एक्चुअली ट्राई टू पुट माई सेल्फ एट देयर प्लेस, मैं अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचता हूँ। So if I were preparing for national MDCAT, I had had few very very serious questions in my mind at this stage. मैं चूंकि वैसे तो मैं of course MDCAT और उसके बाद फिर even MBBS और उसके बाद से even इतने अरसे से मैं teachers को train कर रहा हूँ, entry desk के students को मैं coaching provide कर रहा हूँ for almost you can say one decade, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर इस stage पे मुझे खुद को तैयारी करनी पड़ती तो मेरे दिमाग में इस वक्त अहम तरीन सवाल कौन से होते जिनको देख के मैं अपनी प्रेपरेशन को टेलर करता। सो मैं ये जो ऑफकोर्स अब ये जो क्वेश्चन इस स्टेज पे मेरे माइंड में आए हैं, लाइक इस इन क्वेश्चंस के मेरे दिमाग में आने के पीछे लाइक आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये इयर्स का एक्सपीरियंस शामिल है। सो यही वाला जो एक्सपीरियंस है ये मैंने आपको आज इंशाल्लाह इम्पार्ट करना है। राइट, सो अब मैंने किया क्या है आप लोगों को बेस्ट गाइड करने के लिए, मैंने अपने आप को आपकी जगह पर रख लिया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने नेशनल MDCAT की तैयारी कर ली है, सारा का सारा कुछ जो सर्कमस्टांसिस हैं मैं इनको भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि किस तरह से पॉलिसीज चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ, देर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग एवरी अदर डे, तो इन इस सारी सिचुएशन के अंदर से मैंने कैसे निकलना था यूजिंग द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस विच आई हैव, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ। ऑलराइट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछता वो ये था कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई डू फॉर स्कोरिंग हाई ऑन MDCAT, कब और क्या करूं। ये एक बड़ा ग्रॉस सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरी अगर आप मेरे से पूछा इस वक्त कि ये क्वेश्चन इतना अहम है कि अगर आपके मुताबिक इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल जाता है तो यू कैन से ये 1 million rupees का क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कब और क्या करूं, ये रिमेनिंग डेज हैं तो इन रिमेनिंग डेज के अंदर मैं कितने कितने दिन कितना कितना टाइम किस किस यूनिट पे और किस किस सब्जेक्ट पे लगाऊं। राइट, व्हेन एंड व्हाट शुड आई डू फॉर स्कोरिंग हाई ऑन MDCAT, तो इसमें इसमें अब अप्रोचेस जो है लाइक बच्चों की अप्रोच ऐसी भी हो सकती है कि या जैसे ज्यादातर बच्चों की अप्रोच है कि वो सिस्टमेटिकली एक तरफ से दूसरी तरफ सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां पे एक कोट देना चाहूंगा आपको कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर, ठीक है, या इस हवाले से MDCAT के हवाले से मैं यही कहूंगा कि जो बेहतरीन तरीका ना एग्जाम में फेल होने का वो क्या है कि आप एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक चीजों को तैयार करना शुरू कर दें, सिलेबस को पूरा 1-to-1 चीजों को लेकर जाना शुरू कर दें। ये आप कह रहे हो सर ने बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे दी है, यस इट इज, इट वुड लुक लाइक एन ऑड स्टेटमेंट टू यू, लेकिन मैं अभी आपको जब फ्रैक्शन फिगर्स दिखाऊंगा इट विल ओपन योर आईज, हाँ वाकई यार ये तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक अहम तरीन क्वेश्चन मेरे माइंड में ये होगा कि मैं भाई कब और क्या करूं कि मेरे नेशनल MDCAT में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में होगा अगर मैंने खुद से नेशनल MDCAT की तैयारी करनी होती वो ये होगा कि How should I study each topic for scoring higher MDCAT? इस वक्त कई तरह के टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने बहुत अच्छे पढ़े हैं मुझे बहुत अच्छे आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं लेकिन मुझे अभी भी नहीं आते, कुछ ऐसे हैं ना जो मैंने अभी तक पढ़े हैं ना मुझे आते हैं, तो क्या इन तीनों तरह के टॉपिक्स को मैंने स्ट्रेटेजिकली कैसे कैरी करना है, मैंने कब किन टॉपिक्स को और किस तरीके से फोकस करना है। ऑफ कोर्स ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है इस स्टेज में। राइट, तो हर ऑफ कोर्स अब ये वाला जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक कैटेगरी है सेम इनको कैटेगरी 1 कहता हूं, इन टॉपिक्स को मैं कैटेगरी 2 कहता हूं और इन टॉपिक्स को कैटेगरी 3 में कहता हूं, तो इन तीनों कैटेगरीज के टॉपिक्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी होगी इस स्टेज पे इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। राइट, तो अब मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाता मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये होता खुद से, और तीसरा बड़ा सवाल जो कि बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए वो ऑफ कोर्स ये भी होता कि हाउ शुड आई सेट माई डेली रूटीन फॉर स्कोरिंग हाई ऑन MDCAT,
कि इस वक्त जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ राइट नाउ, जब ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मेरा एग्जाम है फाइनल, तो मैं आजकल अपनी रूटीन किस तरह से बनाऊं कि इन डेज से भी मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले लूं और ऑन द डे ऑफ एग्जाम मैं बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ, बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ। लाइक अगर आपने फर्ज करें कि अभी आपने रूटीन बनाई हुई है, लेट नाइट तक पढ़ने की रूटीन बनाई, मे बी आप सुबह 3 या 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो एग्जाम वाले दिन भी अगर आपकी रूटीन सेम रहेगी, इसका मतलब यह है कि जब आप एग्जाम में जाके बैठेंगे 9 बजे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू बी ड्राउजी, योर ब्रेन वुड नॉट बी एबल टू थिंक क्लियर, राइट। तो इसमें एक तो जो रूटीन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डेली बेस पे मैं अपने आप से कितना अच्छा काम ले पाता हूँ, ये मेरी रूटीन पे डिपेंडेंट है, और सेकेंडली एग्जाम के अंदर बैठ के मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ ये किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये भी ऑफ कोर्स मेरी जो इन डेज की रूटीन है कि उस दिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरी फिटनेस कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब जस्ट इमेजिन करें कि एक क्रिकेटर है वो पूरा साल नेट प्रैक्टिस करता है राइट, या वो इवन रियल टाइम मैचेस भी खेलता है, इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, लेकिन समहाउ वो एग्जाम से वो जो मैच है मैच वाली रात को वो सोता ही नहीं, या उस रात को कोई ऐसी हरकतें वो कर लेता है जिसकी वजह से वो ऑन द डे ऑफ मैच वो अनफिट हो जाता है। सो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग ऑल द नेट प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। सो यही सूरत हाल कुछ यहाँ पे भी है कि डेली रूटीन अब जो है आप लोगों ने किस तरह से अपनी बनानी है कि रोजाना की बिना पे आप बेहतरीन खुद से काम लें और एग्जाम में बैठ के मैक्सिमम अपनी लर्निंग का बेनिफिट आप लोग उठाएं। ऑलराइट, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू आंसर दीस क्वेश्चंस ऑन इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गॉट। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, वो स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते स्टेज पे या जिनके साथ मेरा ये फर्स्ट एनकाउंटर है, मैं बताता चलूँ कि मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए खुद क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने कह लें कि जो पब्लिक सेक्टर का हमारा एंट्रेंस एग्जाम था MD CAT, उसमें अच्छे मार्क्स लेके लाहौर से अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है। इसके अलावा मैं ऑलमोस्ट 1 decade से मैं एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स अक्रॉस द कंट्री उनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है फॉर सेक ऑफ टीचिंग फॉर द एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है और बहुत सारे एग्जाम्स, इवन आफ्टर कमिंग टू द प्रोफेशनल लाइफ, मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं जस्ट टू गेट द रियल टाइम एक्सपीरियंस, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को और भी अच्छा गाइड कर सकूं। तो ये जो क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूं, अब मैं ये जो आंसर देने वाला हूं आपको इन द लाइट ऑफ माय एक्सपीरियंस और अदर एक्सपीरियंसेस देने वाला हूं, तो आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत अहम होने वाले हैं। ऑलराइट, सो इसमें आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन MD CAT, कि कब और क्या पढ़ूं। इसके लिए सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप खुद ढूंढें, बजाय कि आप मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढें तो वो एक सही आंसर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप स्टैटिस्टिकली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है इसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सिलेबस का, आप उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। नंबर टू पे आप जो यूनिट्स और सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करें और उसके मुताबिक आप अपना स्केड्यूल बनाएं। ये कैसे होगा, लेट मी डेमोंस्ट्रेट दिस थिंग टू यू, मैं भी आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टैटिस्टिकली एनालाइज द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। ओके, अब मैं स्टैट्स आपके सामने लेके आने लगा हूं, आई होप यू कैन व्यू माई स्क्रीन। तो इसके अंदर अगर आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, एक्सेल शीट बनाई है और इसके अंदर इसके अंदर मैंने क्या किया कि हर यूनिट को लेके, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के हर यूनिट को लेके मैंने उसमें से नंबर ऑफ MCQs की बिना पे और उस यूनिट की लेंथ की बिना पे मैंने उसको एक रैंक ऑर्डर दिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल चले हम यहाँ पे से हम फिजिक्स को एक दफा से चले हम बायोलॉजी को एनालाइज करते हैं, से लेट्स एनालाइज द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर आप देखें जितने भी सेक्शंस हैं, अब देखें इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से देखें 6 MCQs आने, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से भी 6 MCQs आने,
बायोलॉजेटिक्स में से 6 आने हैं। तो अब देखिए ये वो एरियाज हैं जहां पे आपको एफर्ट थोड़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन वहां से एमसीक्यूज की तादाद बहुत ज्यादा है, राइट। इनको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए 1 दिया हुआ है, ये इनको प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने क्या दिया हुआ है, 1 प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखिए कि ये वो टॉप, अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन, टोटल यूनिट्स कितने हैं 18, और आप देख सकते हैं कि जस्ट इन 7 यूनिट्स में से, 18 में से 7 यूनिट्स में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, 47, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर आपको जो आना है वो सिर्फ इन 7 यूनिट्स में से आना है। सो इट वुड बी एब्सोल्युटली सिली कि अगर आप इन यूनिट्स को लूज छोड़ के आप दूसरे यूनिट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। टू मी इट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल, राइट। ओके, इसी तरीके से अब सो अब 1 रैंक ऑर्डर वाले वो वाले टॉपिक्स हैं या वो वाले यूनिट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ी मेहनत करके आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाने। फिर इसी तरीके से जो सेकंड रैंक ऑर्डर है, से मैं सेकंड रैंक ऑर्डर पे जाता हूँ, देखें ये वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर दरमियानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इनमें से दरमियाने से नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये टॉपिक्स कितने हैं, ये भी 7 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन कितने आने, इनमें से 26 क्वेश्चन आने, इनमें से 26 क्वेश्चन आने। पहले वाला जो 7 का ग्रुप था उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 47। अब ये वाला जो 7 का ग्रुप है इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 26, राइट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड रैंक ऑर्डर वाले को भी देखें, अब थ्री रैंक ऑर्डर वाले को भी देखें, अब देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट अब यू कैन सी हियर यू हैव गॉट ओनली 7 क्वेश्चन, राइट। सेम का काउंट जो 4 है व्हाट्स एवर, बहरहाल अब देखिए आप इसके अंदर कि अब सो इसमें हम देख सकते हैं कि ओवरऑल अब देखिए कि सारे यूनिट में से मिला के टोटल देखिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं जनरेट करने वाला हूं, इस पॉइंट को फॉर गॉड सेक अब्सॉर्ब कर लें, और ना सिर्फ अब्सॉर्ब करें बल्कि इसको अप्लाई करना है आपने रिमेनिंग डेज में इनटू योर प्रेपरेशन। और वो ये है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, वहां पे आपने ज्यादा फोकस करना है जहां से इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना है। ये चीज बच्चे जल्दी अब्सॉर्ब नहीं करते, फॉर गॉड सेक आई वांट यू टू अब्सॉर्ब दिस थिंग, राइट। तो इसमें सो सबसे पहले आप लोगों ने कहने का मकसद यह है कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर 1 वाले टॉपिक्स को कवर करना है और सबसे ज्यादा टाइम आपने इनको देना है। इनके बारे में लाइक मैं ये कहूंगा यू शुड नो ईच एंड एवरी नीटी ग्रीडी अबाउट दिस सेक्शन, राइट। और उसके बाद फिर जो मीडियम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं इनको आप ठीक है थोड़ा बहुत लूज भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं, और जो लो इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं आप इनको जस्ट क्विक ओवरव्यू कर लें, बस जस्ट पक्का टाइम एलोकेट कर दें, इतने टाइम में मैंने इनको प्रिपेयर करना है जैसे भी हो गया वेल एंड गुड, राइट। सो इस तरह की आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनेगी। आर यू गेटिंग कन्विंस्ड, राइट, आर यू गेटिंग कन्विंस्ड, जो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी दी है क्या आपके लिए ये कन्विंसिंग है, राइट। तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, अभी मैं इसके बारे में आपसे बल्कि फीडबैक भी लूंगा आज की डिस्कशन के बारे में, राइट। ये जो काम है, ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालना है सारे सब्जेक्ट्स का जैसे मैंने निकाला है, इट इज टू डैम हार्ड वर्क, राइट। ठीक ठाक ये मेहनत वाला काम है, मेरी जो टीम है, टीम के अंदर डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने मेहनत करके अल्टीमेटली ये सारे सारे स्टैट्स जो मुझे प्रोवाइड किए हैं जिनकी लाइट में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसमें आप ये भी देखें, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स के प्रायोरिटी ऑर्डर 1 के टॉपिक्स को निकालूं लाइक दिस ओवर हियर, अब देखें कि ये कितने यूनिट्स बनते हैं टोटल, ये टोटल बनते हैं 28 यूनिट्स, और 28 यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, लेट मी एडमिट न्यू कमर्स, ओके। अब देखिए 28 यूनिट्स में से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दे वुड बी यू सीन हियर कि There we go. अब देखें 28 यूनिट्स में से कुल मिला के जो यूनिट्स हैं दे आर 58, उनमें से 28 में से 125 MCQs, 125 सिर्फ इन 20, सो सारे सब्जेक्ट्स के इन 28 यूनिट्स को कवर करना, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट क्रूशियल, राइट। सो हाँ, अब जब आप इसको कवर कर लेंगे फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे चले जाएं, और उसके बाद फिर आप थर्ड प्रायोरिटी पे चले जाएं। देखिए जब आपने इतने से प्रिपेयर कर लिए, 28 प्रिपेयर कर लिए, आपको पता है भाई मेरी तो तकरीबन 60-70% मेरी तैयारी हो गई है, राइट। और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, इनकी निटी ग्रिटी में जाएं। इसके लिए मैं रूल भी बताया करता हूँ बच्चों को, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ सम थिंग्स, राइट। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हवाले से यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग,
जबकि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में यू शुड नो गुड इनफ, राइट? और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थर्ड प्रायोरिटी वाले हैं, यू शुड नो समथिंग ऑफ देम, समथिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, जिनकी बेस पे आप उस उनसे भी क्वेश्चन को आंसर कर पाए, राइट? ओके, सो अब ये कह लें कि जो रैंक ऑर्डर वन वाले यूनिट्स हैं इनको आपने थॉरली प्रिपेयर करना है. टू और थ्री वाले जो हैं, ऑफ कोर्स उनके अंदर आप थोड़े सिलेक्टिव भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम टू यू पीपल. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. सो मैंने देखे क्या बताया आपको, सबसे पहले हमको ये बताया कि स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को, वो मैंने आपके लिए कर दिया, राइट? सेकेंडली मैंने ये भी बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने यूनिट्स या सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है. जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, जिनमें से सबसे ज्यादा पेपर आना है. सेकेंड ऑर्डर बीइंग द लेस इंपॉर्टेंट, जिनमें से जिनके ऊपर आपने मीडियम सा टाइम लगाना है, जिनमें से दरमियाना सा ही पेपर आना है. और लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है थर्ड कैटेगरी, थर्ड ऑर्डर, उनके ऊपर आपने बिल्कुल लिमिटेड टाइम लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर किंगडम प्रोकैरियोटी है या प्लांटी है या एनिमेलिया है या फंजाई है वगैरह वगैरह, इन सब में से बहुत कम क्वेश्चन आने हैं. बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कंपेरेबल वे में बाकी यूनिट्स के अंदर भी, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो यू हैव टू मेक द पावरफुल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, उसके बाद फिर नंबर थ्री पे मैंने क्या कहा कि आपने प्रायोरिटाइज करके अब आपने स्केड्यूल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, स्केड्यूल प्रिपेयर करना. अब मुझे पता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे मैंने किया है, मोस्ट ऑफ द व्यू पीपल वो नहीं कर सकते थे इसको. चलिए मैंने कर दिया आपके, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी. सेकेंडली यूनिट्स को चले प्रायोरिटाइज, ये भी मैंने कर दिया. अब जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल भी मुझे पता है कि अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो स्केड्यूल बनाने में आप लोग खुद भी चांसेस हैं कि आप गलती करेंगे, चांसेस हैं कि आप स्केड्यूल भी बहुत वाइजली स्केड्यूल नहीं बना पाएंगे. मैं ये कहता हूँ, मेरी जो स्टडी की फिलोसफी है वो ये है कि एवरी सिंगल मिनट शुड काउंट. आप हर लम्हे का, हर एक एक मिनट का बेहतरीन मसरफ, बेहतरीन यूटिलाइजेशन उसकी आपके पास होनी चाहिए, राइट? सो या यूं कह लें कि व्हेन आई इन्वेस्ट टाइम ओवर समथिंग, आई ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ माय टाइम. तो आप लोग भी जिस तरीके से टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में, आप उसके नतीजे में बेस्ट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्कोर एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? तो इस हवाले से देखिए, ये कुछ स्टैट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, दोबारा फिर समरी ऑफ द स्टैट्स आपको देता हूँ, फिर मैं आपके साथ जो स्केड्यूल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो स्केड्यूल भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से अपनी जो रिमेनिंग डेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आपकी तैयारी कैसी है. हो सकता है कि पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी बस दरमियानी सी है, ये भी हो सकता है कि अभी तक आपकी तैयारी खराब है. इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले आप कहाँ पे खड़े हैं, जो मैं स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूँ, जो मैं टूल्स आपको देने वाला हूँ, अगर आप उनको यूटिलाइज करके स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर कर जाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर गारंटी करता हूँ कि आपका स्कोर रिमार्केबली इंप्रूव हो जाए. अगर आप ओरिजिनली केपेबल थे 150 मार्क्स लेने के, तो मे बी आपके 180 मार्क्स आ जाए. अगर आप ओरिजिनली केपेबल थे 180 मार्क्स लेने के, मे बी आपके 196 मार्क्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन. So higher score is guaranteed with my strategies. So you can have faith in me in this context. All right. इसमें आप देखें कि total 58 sections हैं, units हैं PMC के syllabus में, चारों subjects के. 125 questions 200 में से, जो कि पूरे paper का 62.5% बनते हैं. MCQs they will be just from 28 sections. 59 out of 200, जो के तकरीबन 30% बनते हैं टोटल एमसीक्यूज का, वो सिर्फ वो 19 सेक्शंस में से आएंगे. और उसके बाद फिर 16 जो एमसीक्यूज होंगे, राइट, वो 200 में से यानी कि 8% ऑफ द सिलेबस, उसमें से 16 एमसीक्यूज, जब 8% ऑफ द क्वेश्चंस वो 9 सेक्शंस में से आने, राइट? तो सो अब ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट है कि आपके आपका जो 70% पेपर है, ग्रॉसली स्पीकिंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो 70% पेपर है वो 50% सिलेबस में से आना है.
आपका 70% पेपर आपके आधे सिलेबस में से आना है, राइट। और आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने आधा सिलेबस तैयार करना है, मैं ये कह रहा हूँ योर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, यानी कि पहले आधा सिलेबस कवर कर लें, हो गया, फिर उसके बाद रिमेनिंग 30% और 20% थ्री टीयर्स के अंदर आपने सिलेबस को कवर करना है। यू हैव टू कवर योर सिलेबस इन थ्री टीयर्स, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर लेस और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रेटेजी अपनी बना दी है, स्केड्यूल भी इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने बना दिया है। लेट मी शो यू दैट स्केड्यूल। सो ये आपके सामने है जी, देयर वी गो। सो ये स्केड्यूल आपके सामने है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये नेशनल एमबीकैट 2020 की प्रेप के लिए 16 डेज का मैंने ये स्केड्यूल बनाया, और इसके साथ मैं क्लेम भी कर रहा हूं कि हायर स्कोर इज गारंटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस प्रेपरेशन, हायर स्कोर इज गारंटेड विद दिस स्केड्यूल। अब इसमें देखिए थ्री टीयर्स में प्रेपरेशन है। पहले नंबर पे जो हाई प्रायोरिटी के सेक्शंस हैं, पहले 7 दिन में आपने उसकी तैयारी कर ली, यानी कि 30 अक्टूबर से कल जुमे वाले दिन से हम स्टार्ट करते हैं, और पहले 7 दिन में आपने 125 एमसीक्यूज की तैयारी कर लेनी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि 7 दिन गुजर गए हैं और आपके आपका 125 एमसीक्यूज आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है। जस्ट इमेजिन कि आप उस वक्त कितने पीस ऑफ माइंड में होंगे, हाँ यार ये तो बड़ा सुकून हो गया कि चलो मेरा मेजर चंक जो है निकल गया जस्ट विद इन 7 days, एंड स्टिल यू वुड बी हैविंग अनदर गुड 7 days और 8 days फॉर फर्दर इंप्रूविंग योर प्रेपरेशन। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली देखें, हर सब्जेक्ट के अंदर यूनिट्स हमने फिट कर दी है, 7 MCQs की तादाद भी बता दी है कि यहाँ से इतने इतने MCQs आने हैं, तो बस इसको स्ट्रेट अवे फॉलो करें, राइट। उसके बाद फिर सेकेंड जो टीयर है, सेकेंड टीयर के अंदर क्या है, सेकेंड टीयर के अंदर मीडियम प्रायोरिटी वाले जो सेक्शन हैं 5 दिन में, यानी कि 59 MCQs की तैयारी अब अगले 5 दिन में करेंगे, और फिर देखेंगे जो लो प्रायोरिटी वाले सेक्शन जिनमें से 16 MCQs आने हैं, आपने सिर्फ 2 दिन उनके ऊपर लगाने। अब जैसे देखिए प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, राइट, और प्लांटियर एनिमेलिया, सबके ऊपर मिला के कितने, सिर्फ 2 दिन लगाने बस, राइट। इससे ज्यादा आपने लगाने नहीं है, लगाएंगे आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि वहां से सिर्फ, और देखिए यहाँ से इन सारे लो प्रायोरिटी टॉपिक्स में से जस्ट आप कह लें कि वेरी स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अपियर होने हैं। तो वंस अगेन, पहले नंबर पे हाई यील्ड टॉपिक्स, फिर मीडियम यील्ड, फिर लो यील्ड, या पहले नंबर पे फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ये स्पेल्स बना के इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। और उसके बाद फिर जो FLPs हैं, FLP नंबर 1, 2 और 3 टॉप ग्रेड के ऊपर भी गिवन है, आप वो दे दें, साथ इंपॉर्टेंट स्टफ को रिवाइज करें एग्जाम से 2 दिन पहले, और लास्ट डे पे आप क्या करेंगे, एक और FLP, ये दो और FLP दे के 4 और 5 आप इंपॉर्टेंट स्टफ को रिवाइज करेंगे, राइट। सो ये है ओवरऑल, आप कह लें कि आपका जो स्केड्यूल है ये मैंने आपको दे दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे कुछ और बहुत ही अहम कंसर्न्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ अगर आपके पास ये स्केड्यूल है, अभी भी आप वेल वर्स्ड नहीं है, इस स्केड्यूल के आपके पास होने के बावजूद आपसे गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जिस स्टेज पे आप खड़े हैं, जिस हद तक जो टफ कॉम्पिटिशन आपको फेस्ड है, आप ये कह सकते हैं कि गलती गुंजाइश निश्ता, ठीक है, फारसी में कहते हैं ना गलती गुंजाइश निश्ता, आपके पास गलती करने का चांस नहीं है। इस स्टेज पे अगर आपने अपने 2 दिन भी सिली वे में गुजार दिए, ये भी आपके स्कोर को डैमेज करेगा ऑन द फाइनल एग्जाम, राइट। तो इसके हवाले से मैं आपको फर्दर कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से, मैंने आपको पहले सवाल का जवाब दे दिया कि कब और क्या पढ़ना है नेशनल एमबीकैट में हाई स्कोरिंग के लिए, फाइन। तो उसके ऊपर मैंने आपको ये डिफरेंट फैक्ट्स भी दे दिए। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, चलो नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करने से पहले कुछ और लोग जो भी मीटिंग ज्वाइन करने आए हैं, लेट मी एडमिट देम एज वेल, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो कि अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैंने नेशनल एमबीकैट की तैयारी करनी होती, तो मैं अपने आप से पूछता, हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हायर एन एमबीकैट, तो भाई हर टॉपिक को मैं कैसे तैयार करूं। अब देखें यहाँ पे ये चीज भी समझने वाली है कि टॉपिक आपके पास है 3 तरह के, एक है जो आपने पढ़े और आपको आते हैं, एक वो है जो आपने पढ़े हैं और आपको आते नहीं है, और एक वो है जो ना आपने पढ़े और ना आपको आते हैं इस स्टेज पे। तो ज्यादातर टॉपिक्स इस वक्त जो है वो इस तरह के हैं आपके, जो कि आपको
आते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते। मैक्सिमम टॉपिक्स आपके इस वक्त इस तरह के, मोस्टली स्टूडेंट्स के, आप कह लें कि मे बी 20% टॉपिक्स ये वाले हैं और मे बी जो 10% टॉपिक्स ये वाले हैं और रिमेनिंग जो 70% टॉपिक्स हैं वो ये वाले जो आपको आते हैं, अधूरे आते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए। तो इसके लिए अब आपकी इन टॉपिक्स के लिए या इन थ्री कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स के लिए आपकी स्टडी स्ट्रेटजी या ओवरऑल जो स्टडी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, याद है मैंने अपने वेबिनार के स्टार्ट में मैंने जिक्र किस चीज़ का किया था, मैंने स्मार्ट वर्क का जिक्र किया था। आई होप कि अब आप जो पावर है स्मार्ट वर्क की उसको आप लोग बड़े अच्छे से रियलाइज कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको इसके अंदर स्मार्ट क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई एक टॉपिक जो है आपके साथ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। से आप सेल बायोलॉजी में से कोई भी टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करो, सेल बायोलॉजी को हम चूज करते हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को चूज करते हैं, कोई भी टॉपिक उसमें से आप चूज करो कि सर इस टॉपिक के बारे में आप हमारे साथ एक दफा रिवीजन करें। ठीक है, तो मैं वो आपके साथ खुद जाऊंगा, मैं आपके साथ उसको रिवाइज करता हूँ एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। राइट, तो मुझे कोई भी एक आप जो टॉपिक है वो आप इनपुट दें सेल बायोलॉजी में से। ओके, इन्होंने कहा जी न्यूक्लिक एसिड्स, एक बच्चे ने ये कहा है, हु इज द स्टूडेंट, ओके ज़ैनब फातिमा है फ्रॉम गुजरांवाला और ये कह रही है कि न्यूक्लिक एसिड्स आप रिवाइज करें। अब न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से देखो मैं आपको रिवीजन स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। इसके लिए आपकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो कई तरह की हो सकती है न्यूक्लिक एसिड्स की रिवीजन के हवाले से। अब इसको मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार करेंगे, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इस वक्त भी वो कोशिश करेंगे पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ें, फिर किसी ना किसी एमकैट से या किसी बुक से वो टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट कर लें। मैक्सिमम बच्चों का इस वक्त यही वे आउट होगा, कुछ बच्चे सिर्फ बुक पढ़ेंगे टेस्ट भी नहीं अटैम्प्ट करेंगे, और लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो इसके लिए सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करेंगे। सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजी वो क्या है, लेट मी शेयर दैट स्ट्रेटजी विद यू, और उस स्ट्रेटजी को आप सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं एट दिस स्टेज। मे बी अगर मैं आपसे आज से एक महीना पहले आपको एडवाइस दे रहा होता तो मैं आपको डिफरेंट एडवाइस देता, लेकिन जो एडवाइस है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टाइम फ्रेम। तो अब जो मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ, यू सीन हियर, मैं आपके साथ न्यूक्लिक एसिड्स का जो टॉपिक है, जैसे कि अभी ज़ैनब फातिमा ने मुझे सजेस्ट किया कि जी ये आप इसको डिस्कस करें, तो लेट मी गो थ्रू विद दिस। अब ये मैं आपके सामने जो है वो स्टूडेंट अकाउंट ओपन करूंगा, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, ये स्टूडेंट अकाउंट ओपन हो गया। ओके, नेशनल एमडीकैट प्रेप का, इसमें आप देखें कि से हम जाते हैं जी बायोलॉजी के ऊपर जाते हैं, मैंने बायोलॉजी प्रिपेयर करनी है और उसमें से मैंने खास तौर पर प्रिपेयर करना है किसको, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स को प्रिपेयर करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा फास्ट वीएन नोट्स के ऊपर। फास्ट वीएन नोट्स पे जाके मैं क्या करूंगा, ये मेरा सुपर फास्ट वे होगा इसको प्रिपेयर करने का। इसमें से मैं चला गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में चला गया, इसमें जाके मैंने क्या किया, मैंने न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं जिनकी इंपॉर्टेंस भी हाई है मैंने इनको चूज किया और मैंने इसकी स्लाइड्स निकाल ली, ये मैंने इसकी स्लाइड्स निकाल ली। राइट, सो देयर वी गो, हियर वी हैव गॉट द स्लाइड्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन स्लाइड्स के थ्रू जो है रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। सो यू सीन हियर, ये स्लाइड्स मेरे सामने ओपन हो गई, अब मैं क्या करूंगा इनके थ्रू रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। आई विल जस्ट गो थ्रू दीज स्लाइड्स। अच्छा जी, ये पहली स्लाइड है, इसमें चार चीजों के बारे में डिस्कशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, कंपैरिजन। फाइन, तो इन स्लाइड्स के अंदर अब क्या है, इन स्लाइड्स को, ये बुक ही से बनी हुई स्लाइड्स है लेकिन बुक के वो पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज की बायस के साथ होते हैं इसके ऊपर खास तौर पे वो पॉइंट्स जो वो इसके अंदर सम अप किए गए, राइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में दिए गए। मैं इनको थॉरली रीड करूंगा और जो चीजें इसके अंदर हैं उनको मैं मेमोराइज करने की भी कोशिश करूंगा, राइट, साइड बाय साइड, क्योंकि बुक से अगर और साथ साथ इवन ये जो क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट करें अगर मैं किसी ऐसी स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ, मैं इस स्लाइड पे पहुंच गया हूँ, मुझे इस स्लाइड की समझ नहीं आ रही पढ़ के कि भाई ये क्या लिखा हुआ सारा, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा शायद स्लाइड नंबर 13 है ये वाली, तो मैं वीडियो लेक्चर खोल के सिर्फ इस स्लाइड का 2-3 मिनट का लेक्चर सुनूंगा और फिर दोबारा फिर मैं अपनी जो इसको समझ के मैं दोबारा अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए कन्वेंशनल प्रेपरेशन में या कन्वेंशनल एप्स के अंदर आपके पास ये वाली प्रोविजन नहीं है, टॉपग्रेड ने आपको एक जबरदस्त प्रोविजन दे दी है कि आप फास्ट वीएन नोट्स के थ्रू अपनी पूरी बुक को रिवाइज भी करो, क्योंकि एक्चुअल बुक
के अकॉर्डिंगली हमने सारे के सारे जो रिवीजन नोट्स हैं ये वाले हमने बनाए हुए हैं, राइट, इनको रिवाइज करो, इनको अब्सॉर्ब करो। देखो कि बुक से अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ना है तो आपको खासा टाइम लगने वाला है, और उसमें से आप एग्जैक्टली जो चीजें एग्जाम में आनी है सिर्फ उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होंगे, इसमें आप उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहे हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे देखो फास्ट, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है उनको रेड कलर के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया होता ताकि बच्चे खास तौर पर इसको देख ले, राइट। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट भी नोट्स को मैं स्टडी करूंगा, और स्टडी करके उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि इनको मेमोराइज करूंगा, और जहां पे मुझे जरूरत महसूस होगी कि यार ये स्लाइड मुझे समझ में नहीं आ रही, सिर्फ मैं वीडियो लेक्चर मुतल्लिका खोल के मैं उन स्लाइड्स के लेक्चर को सुन लूंगा। तो इस तरीके से हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा मेरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे सारी बुक्स को थॉरली पढ़ने का टाइम नहीं है। थॉरली अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं हर अहम पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सारे के सारे यूनिट्स को आप लोग एक ही अच्छे तरीके से तरतीब से नहीं ना कर सकते, जैसे मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजी आपको बताई है, इसी तरीके से हर टॉपिक को भी आप बिल्कुल थॉरली नहीं लेके जा सकते, राइट। हाँ, तो इसमें फिर मैं आपको स्ट्रेटजी क्या बता रहा हूँ, अब ओवरऑल जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि आप लोग टॉप ग्रेड के जो फास्ट वीयर नोट्स हैं, राइट, फास्ट वीयर नोट्स को पढ़ें, जो आपकी सुपर फास्ट, मैं कह रहा हूँ मेक सुपर फास्ट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी। इसमें तीन चीजें हैं, फास्ट वीयर नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर प्लस टेक्स्ट बुक। आपने ये देखना है कि तीनों को कंबाइन करके आप तेज तरीन तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हैं, राइट। सिर्फ फास्ट वीयर नोट्स को पढ़ें ठीक है, लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी, बुक की भी जरूरत नहीं पड़े, छोड़ दें। बस अगर आप, मेन मकसद है कि आपके सवाल जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो सही होने चाहिए, आप सबसे पहले ये करें कि आप FRN को पढ़ें, उनको एब्जॉर्व करके अच्छे तरीके से जो चीजें मेमोराइज करने वाली हैं वो भी करके आप सीधे क्वेश्चंस को जाकर अटेम्प्ट करें। टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक पे जाएं, उसी टॉपिक का टेस्ट दें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट। उसमें से भी खास तौर पे जो दूसरे सूबों के साथ के पास क्वेश्चंस भी हमने दे दिए हैं ऐप के अंदर, उनको आप लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सुपर फास्ट जो है वो स्ट्रेटजी बनानी है FRN को यूज करते हुए, और अगर जरूरत पड़े, वीडियो लेक्चर सारे सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सारे के सारे वीडियो लेक्चर सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ वो वीडियो लेक्चर सुनने हैं या उन स्लाइड्स के वीडियो लेक्चर्स को सुनना है जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने सिरे से नहीं पढ़ा अभी तक उसके वीडियो लेक्चर को सुनने, दैट्स फाइन, ठीक है। तो FRN और वीडियो लेक्चर इनको कंबाइन करके आप रिवाइज करें, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट के साथ साथ आप बुक को कंसल्ट करें, हाँ बुक पे ये चीज ऐसे है या ऐसे है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग सुपर फास्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देंगे। फर्ज करें आज के दिन में अगर मैंने हर सब्जेक्ट को 4 घंटे देने, 4 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी किए, आज के दिन में हर सब्जेक्ट को पढ़ने के मेरे पास कितने घंटे हैं, 4 घंटे, फाइन। तो अब आज के दिन में मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं 4 घंटे में अगर बायोलॉजी मैंने प्रिपेयर करनी है तो मैं ये देखूंगा 4 घंटों की बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि चलो जो भी यूनिट मैंने पकड़ा है उस सारे के रिवीजन नोट्स के थ्रू जल्दी से मैं पहले रिवीजन नोट्स को अब्सॉर्ब कर लूं और टेस्ट दे लूं और उससे सीख लूं। अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचेगा फिर बुक रीडिंग पे मैं चला जाऊंगा कि बुक को भी साथ साथ डिटेल से देख लूं, अदरवाइज इतना टाइम ही नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन राइट नाउ। ऑलराइट, उसके बाद फिर नंबर 3 पे लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो इस तरीके से आप लोगों ने हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक को पढ़ने के लिए जो सुपर फास्ट स्ट्रेटजी है वो आपने बना लेनी है, ठीक है। इसमें आपको बिलीव मी टॉप ग्रेड का जो खास तौर पे फास्ट वीयर नोट्स वाला मॉड्यूल है और इवन जो हमारा क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल है, ये दोनों आपको रियल टाइम हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन, वाकई ये आपके लिए सॉर्ट ऑफ इस वक्त जो है वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं ये वाले दोनों मॉड्यूल, अगर आप इनकी पावर को अंडरस्टैंड कर जाएं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलीव नहीं करते और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट। अगर आप इन दो मॉड्यूल्स की पावर को अंडरस्टैंड कर लें, द फास्ट वीयर नोट्स एंड द क्वेश्चन बैंक, दिस इज लाइक होल्डिंग लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड। तो ये स्ट्रेट अवे आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर जिनके पास ये टूल्स नहीं है। भाई ये टूल्स हैं, ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए, ये एग्जाम्स की डेकेड्स की हिस्ट्री को देख के, एक एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके बहुत कैटेगोरिकली ये टूल्स डेवलप हुए हुए हैं और रियल टाइम ही आपको हेल्प करेंगे ऑन द फाइनल एग्जाम। ऑलराइट,
उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ शुड आई सेट माई डेली रूटीन फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनएमडी कैट। अब डेली रूटीन आपने कैसे सेट कर दी, तीसरा अहम सवाल ये था। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले नंबर पे एनालाइज योर प्रीवियस रूटीन, पहले आप क्या कर रहे हो तसल्ली से उसको एनालाइज करो, एनालाइज करके आप उस रूटीन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर आप देखो कि अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे कि दिन के कुछ हिस्सों में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे टास्क को हैंडल करता है, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट अपना स्लो सब्जेक्ट्स के साथ दोगे या इजी सब्जेक्ट्स के साथ दोगे, आप अपने आप से बेस्ट काम नहीं ले पाओगे, ठीक है, आप बेस्ट आउटपुट नहीं ले पाओगे खुद से। तो इस तरीके से आपकी डे के किस सेगमेंट में कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट के अंदर पहले कौन से टॉपिक्स करने हैं, बाद में कौन से टॉपिक्स करने हैं, और इसके अलावा अपने आप को दरमियान में ब्रेक्स कब कब और कैसे कैसे देनी है, राइट, और अपने आप को तरीके तरीके से पूरा पूरा दिन स्टडी पे फोकस कैसे कराए रखना है, ये ऑफ कोर्स आपकी रूटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आपकी रूटीन नहीं होगी तो ग्रेट चांस इसी चीज का है कि आप डेली बेस पे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 2-3-4 घंटे वेस्ट होते चले जाएंगे, और शायद यही 2-3-4 घंटे की वर्किंग थी जो कि आपको रिक्वायर्ड थी फॉर एडमिशन, ठीक है। तो बच्चे मुझे कहते हैं बहुत सारे, सर ये तो बड़ा हार्ड वर्क है। भाई मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि बेटा ये हार्ड वर्क पता क्यों दिखता है, क्योंकि ये एक्चुअली हार्ड वर्क है। और अगर आपने इतने बड़े कॉम्पिटिशन में, अगर आपने 70,000 बंदा ऐसे पंजाब में, उसमें से सिर्फ 3500 अगर सीटें हैं, 70 से 80,000 बच्चा इस वक्त, तो 3500 अगर सीटें हैं उनमें अगर आपने सिलेक्ट होना है तो ऑफकोर्स यू विल हैव टू लर्न टू बीट द कॉम्पिटिशन। तो आपकी जो एफर्ट है वो वहां से शुरू होनी चाहिए जहां बाकियों की एफर्ट खत्म हो रही है। बाकी जितनी एफर्ट कर रहे हैं उतनी एफर्ट आप भी कर लेंगे तो आपको भी रिजल्ट वही मिलना है जो बाकियों को मिलना है। तो अगर आपने अगर एडमिशन सिक्योर करना है तो आपको बाकियों से बढ़ के एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 3 पे अगर आप देखें तो मेक फिक्स डेली रूटीन। सो आपने क्या करना है, अपनी प्रीवियस रूटीन की को एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लिस्ट करें और फिक्स डेली रूटीन आप बना लें, और कोशिश करें कि आपकी जो रूटीन होनी चाहिए वो आवरली बेस पे रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने सामने कहीं ना कहीं लिख लें कि 20 घंटे में मैंने ये करना है, एंड मेक श्योर कि जो आपने इस घंटे के लिए डिसाइड किया है आप उसको लाजमी तौर पे करें भी। ऑलराइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि ये एक मैं आपको एक एंडोर्समेंट देना चाहूंगा इस स्टेज पे कि लाजमी तौर पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप topgrade.pk को ज्वाइन करें। मुझे पता है कि इट विल मेक बिग डिफरेंस टू योर स्कोर ऑन एमडी कैट। So have faith in my words, trust my words, it will work for you. मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपके लिए कह रहा हूँ। I know it will work for you, right? You know it or not, I would strongly say कि it's worth giving a try at this stage. कि इस वक्त ये वाहिद ये platform है जो कि अभी तक डटा हुआ है कि आखिरी दम पे भी, आखिरी stage पे भी जाके बच्चों को best preparation करते हैं। अभी मैं recently एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई, वो 1 ईयर से टॉपग्रेड को यूज कर रहा है, साथ साथ उसने डिफरेंट भी दूसरे इंस्टीट्यूशन की एप्स वगैरह को भी यूज किया, कुछ फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन की, तो उसने बड़ा मजे का मुझे कमेंट दिया जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और मुझे लगा कि वाकई हमारा जो हार्ड वर्क है उसको समर मिल गया। इफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक दिस अबाउट अस, वो स्टूडेंट कहता कि सर मैं 1 साल से टॉपग्रेड ज्वाइन किया हुआ, साथ इधर उधर भी कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, लेकिन टॉपग्रेड बेस्ट है। एक तो उसने ये कहा, सेकेंडली जो मुझे ज्यादा मजे की बात उसकी लगी वो कहता सर सबकी बस हो गई है टॉप ग्रेड की नहीं हुई, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक डटे बैठे हैं, हम डिटरमाइंड हैं कि आखिरी दिन तक, एग्जाम के दिन तक हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प आउट करना है। तो टॉप ग्रेड और पीके बच्चे, इट्स डिजाइन टू मीट योर पर्सनलाइज्ड स्टडी नीड्स नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन यू आर। आप नए नए FSC में आए हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, आप इम्तिहान से 3 महीने पहले हैं, आपका इम्तिहान हफ्ते के बाद है, 2 हफ्ते के बाद है। टॉप ग्रेड इज जस्ट लाइक वाटर, जैसे पानी हर बर्तन के अंदर जाके उसी सांचे में ढल जाता है, तो टॉप ग्रेड भी आपके लिए, आपकी प्रेपरेशन के लिए इट्स जस्ट लाइक वाटर। जिस मर्जी तरह से, जिस मर्जी स्टेज पे आप इसको यूज करें, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देगा। अगर आपको नहीं यूज करना आ रहा टॉप ग्रेड, अगर आपको नहीं यूज करना आ रहा, आप इसकी सब्सक्रिप्शन को परचेज करें, आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें,
After that, I will guide you. I will give you maybe 4-5 minutes session on Zoom, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि बच्चे आपके लिए टॉप ग्रेड इस तरीके से सूट करेगा, ठीक है? आपके लिए इस तरीके से सूट करेगा. उसके लिए हमारी जो मैं अभी आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी देता हूँ, वंस यू हैव परचेज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ टॉप ग्रेड .tk, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप मेरे से पर्सनलाइज टाइम ले सकते हैं, जिसमें मैं आपके अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली कोई जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो मैं बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि बेटा आप हमारे प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज कर लो. मुझे इतना पता है कि आप जिस भी स्टेट के अंदर है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, दरमियानी है, बहुत बुरी है, आपने पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस वक्त टॉप ग्रेड आपके स्कोर में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट करने की सलाहियत रखता है. एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म यू कैन ट्रस्ट एट द मोमेंट, इंशाल्लाह. आई बिलीव सो. ऑल राइट. उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि अभी अगर आपने स्टडी स्केड्यूल को ज्वाइन कर को लेना है या आपने ज्वाइन करना है टॉप ग्रेड को, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करें अभी, तो ये आपको स्केड्यूल दे देंगे और सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आपने लेनी है तो वो भी आपको ये दे देंगे. सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ये वाली, अगर आपने फुल सब्सक्रिप्शन लेनी है इस वक्त नेशनल एमडी कैट की कंप्लीट पैकेज ट्रिल एग्जाम, तो ये जस्ट 4,000 रुपीज का है, और अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक और FLPs लेने हैं तो ये 2,500 रुपीज का है, राइट? तो आप जौन सी भी सब्सक्रिप्शन आपको सूट करती है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ऑफ कोर्स फुल सब्सक्रिप्शन है, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हर मॉड्यूल को यूज करें. हर मॉड्यूल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको आप यूज करें. ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जी टाइम कम है तो पता नहीं इससे मुझे इतनी देर में मुझे इतने सारे कंटेंट का फायदा होगा या नहीं होगा. भाई देखें कि आप आम खाएं गुठलियां ना गिरें. बात यह है कि इस वक्त आपकी प्रिपरेशन के जो लूप होल्स हैं, टॉप ग्रेड उनको फिक्स करने की सलाहियत रखता है. तो अगर रखता है तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए और उसके जो लूप होल्स हैं उनको प्लग कर लेना चाहिए अपनी प्रिपरेशन का. ये आपके लिए मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग हो सकती है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज वेबिनार. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग.